मुझसे अक्सर लोग ये पूछा करते हैं कि अमान भाई, क्या हमें आधी रात को किसी सुनसान जगह पे जाना चाहिए, किसी वीराने जगह पे, जैसे कि कोई जंगल, जैसे कि कोई समुद्र किनारे, क्या हमें जाना चाहिए? मैं तो हमेशा उन जैसे लोगों को ये बात कहता हूँ कि बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि क्या पता अगर वहाँ पे आत्माएं ना हो, क्या पता वहाँ पे अगर जिन जिन्नात ना हो, बट स्टिल वहाँ पे जंगली जानवर हो सकते हैं, वहाँ पे चोर लुटेरे हो सकते हैं। इस वजह से मैं उनको अक्सर मना किया करता था, लेकिन आज मेरे पास एक और वजह है, एक और एक बहुत बड़ी वजह। लोगों को ना अक्सर ये आदत पड़ चुकी है कि अमान भाई आएंगे और आके सिर्फ भूतों की कहानी सुनाएंगे, लेकिन आज की ये जो कहानी है ये सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कोई भूत नहीं है, इसमें कुछ अलग सी चीज़ है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इस दुनिया में भूतों के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बुरी तरीके से डरा सकती है, आपके दिल को दहला सकती है, आपके रूह को कांपने पे मजबूर कर सकती है, एंड ये कहानी कुछ वैसी ही है। एंड आज की ये कहानी होने वाली है हमारे मुंबई शहर के पास के ही एक शहर की, जिसका नाम है विरार। एंड आज की इस कहानी को आप कहानी की तरह ही सुनिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। सो गाइस, विरार में रिसेंटली एक फैमिली शिफ्ट हुई थी। उस फैमिली में कुछ चार लोग रहते थे, हस्बैंड वाइफ रहते थे जो कि बाहर काम किया करते थे, एंड जो बच्चे थे वो कुछ 20-25 साल के थे, दोनों के दोनों लड़के ही थे। एंड ये फैमिली का अपना एक खुद का हॉस्टल भी था, जहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स को वो रहने की जगह देते थे, बैचलर्स को जगह देते थे, या तो अगर जिसके पास पैसे नहीं हैं तो उसको भी एक दो दिन का शेल्टर दिया करते थे। एंड उस घर के सबसे छोटे लड़के का नाम था अंकित, एंड वो पढ़ाई लिखाई उसकी कंप्लीट हो गई थी एंड बस उसके वैकेशन चालू थे, अभी उसका नेक्स्ट स्टेप जॉब ही था। तो तब तक के लिए वो अपने हॉस्टल में बैठ के अपने दोस्तों के साथ आधी रात को शराब पिया करता था हर रोज़। एंड ये बहुत नई नई बात थी अभी उसके लिए, लाइक नए नए दोस्त थे, नया नया घर था, सब कुछ एकदम नया था। एंड उसको धीरे धीरे करके पता चल रहा था कि विरार में कैसी कैसी जगह है। एंड वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, एंड बातों के बीच में एक बात छिड़ी कि विरार का जो अरनाला बीच है वहाँ पे बहुत अजीब अजीब घटनाएं होती रहती है, जो भी वहाँ पे जाता है वो अक्सर अपना मानसिक संतुलन खो देता है आधी रात में। आधी रात, सुबह में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आधी रात की ही ये बात है कि आधी रात में वहाँ नहीं जाना चाहिए। एंड अंकित जब ये सारी बातें सुनता था तो उसको नया नया ही लगता था ऑफकोर्स, क्योंकि हर एक जगह की कोई ना कोई कहानी होती है, और उसे लगा कि शायद यहाँ की भी होगी कहानी। एंड उसके दोस्त लोग उसको आगाह किया करते थे कि अंकित, जब तो आधी रात में कहीं जाता है तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अरनाला बीच के रास्ते से मत आना, कभी भी मत आना। लेकिन ये जो अंकित था ये एक बहुत अलग किस्म का लड़का था, वो हर एक चीज़ अपने दिल पे बहुत जल्दी ले लिया करता था कि नहीं, मुझे तो भूत प्रेतों से बिल्कुल डर नहीं लगता है, एंड ऑल। एंड उसको वाकई में नहीं लगता था, तो वो अपने दोस्त को कह दिया करता था कि मुझे ये सारी बातें ना मत बताया करो, तुमको क्या लगता है कि मैं नया नया आया हूँ तो ये सारी कहानी सुना के आप मुझे डरा दोगे? मैं बिल्कुल भी नहीं डरने वाला इन भूत प्रेतों से। तो उसके दोस्त लोग उसके काउंटर में ये बात कहा करते थे कि हम भूत प्रेतों की तो बात भी नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे भूत प्रेत नहीं है, वहाँ पे कुछ और ही है, सबसे परे, सबसे अलग, इन सबसे ज़्यादा डरावने। बट स्टिल अंकित ये सारी चीज़ों को इग्नोर किया करता था, एंड वही इग्नोर करके वहाँ से निकल गया। एंड गाइस, अंकित का ना एक रूटीन बन गया था रात को कि वो 11:30 के अराउंड अपने पापा को विरार स्टेशन में पिक करने जाया करता था, क्योंकि उसके पापा के पास बहुत ज़्यादा सामान हुआ करता था हाथों में, तो जस्ट मदद करने के लिए। एंड ये रात को भी वो गया, अपने दोस्तों से बात करने के बाद वो सीधा रेलवे स्टेशन ही गया। रात के कुछ 11:30 बज रहे थे, ऑफकोर्स वहाँ पे बस वेट कर रहा था, एंड उसके पापा वहाँ पे आ नहीं रहे थे। उसको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा, फिर उसने टेलीफोन बूथ में जाके अपने फादर को कॉल किया कि क्या हो गया वगैरह, क्योंकि वो फ़ोन नहीं लाया था ऑफ कोर्स। एंड उसके पापा ने कहा कि बेटा, आज रात को मैं अपने कलीग्स के साथ यहीं पे रहने वाला हूँ ऑफिस में, थोड़ा ज़्यादा काम है, तो मैं कल सुबह आ जाऊँगा घर पे। फिर
अंकित ने बोला चलो ठीक है फिर मैं घर निकलता हूँ। उसके पापा ने बोला ठीक है तू घर जा रहा है लेकिन एक चीज ध्यान रख कि अरनाला बीच के रास्ते से इस समय मत जाना। ध्यान से सुन, अरनाला बीच के रास्ते से मत जाना। एंड इस समय अंकित बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गया था कि क्या है यार उधर ऐसा जो सब लोग मुझे वहां पे जाने से रोक रहे, ना खुद जा रहे ना मुझे जाने दे रहे, है क्या। एंड गाइस वो जो रास्ता था ना अरनाला बीच का, वो उसके घर से बहुत ज्यादा नजदीक था, बहुत एक शॉर्टकट टाइप का रास्ता था वो। एंड उसने बोला अरे यार पहले तो मैं जल्दी पहुंचूंगा वहां से घर पे, एंड ये लोग है कि जाने भी नहीं दे रहे मेरे को वहां पे। फिर अंकित अपने घर जाने के लिए निकल गया ऑफकोर्स। एंड उसके सामने दो रास्ते थे, या फिर वो अरनाला बीच से जाए या फिर एक लंबा रास्ता चूज करके अपने घर पे जाए चलते चलते। तो उसने सोचा अरनाला बीच से ही जाता हूं यार, क्या हो जाएगा, कुछ 10-15 मिनट का रास्ता है, ऐसे ही निकल जाएगा। और उसके साथ साथ बाजू में से बीच भी है, मैं वो भी इंजॉय कर लूंगा, ठंडी ठंडी हवाएं रहेगी वगैरह वगैरह सब सोच के वो अरनाला बीच की तरफ मुड़ गया। फिर अंकित ने उस समुंदर के किनारे से चलना चालू कर दिया। वो वहां से गुजर रहा था, वो बस देख पा रहा था कि ये पूरा समुंदर खाली है, यहां पे कोई भी नहीं दिख रहा था उसको, ना कोई जानवर ना किसी और की परछाई। इतने अंधेरे में उसको सिर्फ अपने आप की ही परछाई दिख रही थी। चलते चलते अचानक से उसके सामने एक आदमी आ गया, वो एक वॉचमैन था। उसने आके कहा कि साहब इस इलाके में आधी रात को नहीं आया करते, इस इलाके में घूमना फिरना मना है आधी रात को, आप घूम सकते हो अगर आप में हिम्मत है तो, रात के 12 बज रहे हैं, एंड अगर आप यहां पे ज्यादा देर तक रहोगे तो आप इस भूल भुलैया से कभी निकल नहीं पाओगे। ये सब कुछ सुन के अंकित बहुत ज्यादा शॉक हो गया था कि ये वॉचमैन अचानक से यहां पे कैसे आ गया, एंड ये किस भूल भुलैया की बात कर रहा है। ये सब कुछ भूल के फिर अंकित को ये याद आया कि मुझे घर जाना है, वो वहां से भागते हुए अपने घर की तरफ गया। एंड उसने देखा कि उसके घर के ठीक नीचे, यानी जिस हॉस्टल में वो रहता था उसके हॉस्टल के ठीक नीचे उसके सारे दोस्त लोग थे। वहां पे हाफ्ता हाफ्ता पहुंचा, अपने सारे दोस्तों को अपनी ये कहानी बताई कि उसने क्या फेस किया है। उसके सारे दोस्तों ने कहा था हमने तुझे कहा था ना वहां पे मत जाना, लेकिन फिर भी तूने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन ये तो सिर्फ एक वॉचमैन था यार, तू इससे क्या डर रहा है। फिर अंकित ने पूछा लेकिन वहां पे है क्या, तुमने कहा वहां पे भूत प्रेत नहीं है, फिर वहां पे है क्या। उसके दोस्तों ने कहा कि शुरुआत से हम भी यही सवाल का जवाब पता करना चाहते हैं, हमारे माँ बाप ने बस हमें ये कहा है बचपन से कि अरनाला बीच के आसपास रात को मत जाना, भले वहां पे भूत प्रेत चोर लुटेरे जानवर वगैरह कुछ नहीं है, जो भी कुछ होगा बस वहां पे रात को मत जाना। एंड पता नहीं ये सारी बात होने के बाद उनमें से जो दूसरे लोग थे उन लोग ने ये बात कही कि चलो एक काम करते हैं अरनाला बीच के पास जाते हैं, अभी वैसे भी रात के कुछ अभी 2:30 ही बज रहे हैं, जाते हैं और पता करके आते हैं कि वहां पे है कौन, एंड जो भी कोई भी रहेगा हम उसे वहां से भगा देंगे, एंड वोली जगह हमेशा के लिए हम सेफ कर देंगे। एंड सब लोगों ने एग्री भी कर लिया, पता नहीं क्यों, लाइक सब लोग शायद से दारू के नशे में थे एंड ऑल, एंड फिर सबने एग्री कर लिया। लेकिन फिर भी अंकित को थोड़ा सा डर लग रहा था, ही वॉज थोड़ा सा अनश्योर कि जिस जगह से वो आया है वो जगह उसे बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब दे रही थी कि मैं आज आया हूँ यहाँ से अगली बार नहीं जाऊँगा। बट स्टिल अंकित थोड़ा सा पीयर प्रेशर में आके उसको भी जाना पड़ा, उसे भी लाइक नॉड करना पड़ा इस बात पे। फिर वो सब लोग अरनाला बीच के किनारे पे आके पहुंचे, एंड आके बस इधर उधर देखने लग गए। उन्होंने कहा कि अरे ये समुंदर किनारा तो बहुत ही ज्यादा खाली है यार, यहाँ पे कोई भी नहीं है, एंड तू किस वॉचमैन की बात कर रहा था, यहाँ पे तो कोई वॉचमैन भी नहीं दिख रहा है, एंड वो वॉचमैन अगर था भी तो वो किस घर को गार्ड कर रहा था यार, कितना झूठा है एंड ऑल बोलने लग गया अंकित को। लेकिन आसपास कोई भी नहीं था उसमें, लेकिन अचानक से उन्होंने देखा उनके आसपास कोई मुर्गी होती ना चिकन, वो इधर उधर घूमने लग गई थी। एंड फिर उन्होंने उसको इग्नोर किया ऑफ कोर्स, एंड अचानक से देखते ही देखते वो मुर्गी गायब हो गई, फिर एक कुत्ता आ गया, ऐसे देखते देखते एक बिल्ली आ गई, लाइक जानवर गायब हो रहे हैं और नए जानवर वहां पे आए जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज सिनेरियो, एक बहुत गलत तरीके सा एक एम्बियंस क्रिएट हो रहा था वहां पे कि एक ही जानवर एट अ टाइम था वहां पे लेकिन अलग अलग।
एंड ये जो ये जानवरों का वहां पे खेल शुरू हो गया था वो कोई भी नहीं देख रहा था, कोई भी उस पर फोकस नहीं कर रहा था, सिर्फ अंकित फोकस कर रहा था कि अभी धीरे धीरे करके सांप आ गया है यहाँ पे। लेकिन ये चीजें हो कैसी रही है? फिर उसने अपने दोस्तों को एक और एक बार आगाह किया कि गाइस यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ तो ये एक अलग सा ही कुछ तो खेल चल रहा है, हमें शायद से यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा खराब फीलिंग आ रही है, प्लीज यहाँ से निकलते हैं। फिर ये सारी अजीब घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए उनके सारे दोस्तों ने कहा कि हाँ जो घटनाएं हो रही है वो थोड़ी स्ट्रेंज तो लग रही है, ठीक है यहाँ से निकलते हैं। उनको उस बीच से निकल के एक घंटा गुजर गया लेकिन स्टिल वो उसी बीच में घूम रहे थे। उनका घर का रास्ता वहां से सिर्फ 15 मिनट दूर था लेकिन वो सिर्फ उसी बीच में राउंड मारे जा रहे थे, सिर्फ उसी बीच में राउंड मारे जा रहे थे, जितना चल रहे हैं वो उतना ही अपने पिछले डेस्टिनेशन से करीब आ रहे थे। वो जिस डेस्टिनेशन पे पहले उनको पहुंचना था वो वहीं पे घूमे जा रहे थे, अपने घर के करीब पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। उनमें से 6 लोग थे वहां पे, 6 के 6 लोग बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था उन लोगों के कि यहां पे हो क्या रहा है, हम सिर्फ एक ही जगह पे कैसे घूम रहे हैं, 15 मिनट तो दूर है हमारा घर यार। फिर गाइस उन लोग में से किसी एक को समझ में आया कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनमें से किसी एक ने खड़े होकर ये वाली बात कही कि गाइस मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ चकवा हो रहा है। गाइस चकवा एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप सिर्फ एक ही जगह पे सिर्फ गोल 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 बस आप घूमते जाते हो। उस लड़के ने कहा कि शायद हो सकता है कि समुंदर किनारे हमें किसी आत्मा या फिर किसी गिरा ने देखा है एंड उसने हमें उनका शिकार बना लिया है एंड अभी हम उन्हीं के टेरिटरी में बस गोल गोल घूम रहे, वो हमें कठपुतलियों की तरह नचा रहा है। ये सब कुछ सुन के वो 6 के 6 लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, वहाँ पे रोना धोना शुरू कर दिया क्योंकि वो उस बीच से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, देखते ही देखते 2.5 घंटे भी गुजर चुके थे अभी एंड ये सब चीखना चिल्लाना वहां पे हो ही रहा था। तभी अंकित के पीठ के पीछे किसी ने तो टैप किया, उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो ही वॉचमैन था एंड उसने कहा कि साहब मैंने आपको कहा था ना आप कितनी भी कोशिश करो इस भूल भुलैया से निकल ही नहीं पाओगे। जिन्हें अब तक समझ में नहीं आया उनको मैं अभी समझा देता हूं कि वो जो कुत्ता बिल्ली मुर्गी वॉचमैन वो जो थे वो कोई अलग अलग नहीं थे, वो बल्कि एक ही चीज थी एंड वो था एक शेप शिफ्टर। ये हमारे इंडिया में गांव-गांव में बहुत जगह ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि लोग कहते हैं कि मैंने देखा कि पहले ये एक मुर्गी थी, बाद में एक बिल्ली बन गया, कुत्ता बन गया, बाद में छोटा बच्चा बन गया। ये देखते हुए चीज़ें उसको भूत प्रेत से रिलेट करने लग जाते हैं लेकिन नहीं, ये असल में एक शेप शिफ्टर होता है एंड ये ही केस विरार के अरनाला बीच के आसपास भी होती है, काफ़ी लोगों ने नोटिस किया है। सो गाइस मैंने आपको ये जो कहानियाँ सुनाया हूँ वो रिसेंटली मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी कि ये सारी घटनाएं हुई थी विरार में उनके साथ एंड ये भी उसी का एक मेंबर था जिसके साथ ये हुआ। सो गाइस आज इस वीडियो के अंत में मैं आपको कोई ज्ञान की बातें नहीं बताना चाहता हूँ, वो तो आप खुद ही ये वीडियो देख के समझ गए होंगे कि आपको क्या नहीं करना है और वो है कि किसी भी सुमसान भरे जगहों पर नहीं जाना है। अगर आपको कोई कुछ कहता है कि इस जगह पर मत जाओ, यहाँ पे शायद से कुछ अच्छी चीजें नहीं होती है, नेगेटिव वाइब है, तो वहां पे मत जाओ, वरना हो सकता है कि आप भी ऐसे ही किसी चक्रव्यूह में आके फंस सकते हो सकता है। शुक्रिया।